ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा स्वागत आहे. लखनगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या सुदर्शन कब्रिस्तान येथे काही मुलं धारधार शस्त्र घेऊन डकैती करण्याची प्लॅनिंग करत होते. ही माहिती गुप्त माहितीदारद्वारे लखनगंज पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी आरोपींना घेराव करून अटक केली आहे. त्यांच्याकडून 4 धारधार शस्त्र, 1 दंडा, 2 दुचाक्या असा एकूण 1,02,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. हमको हमारे गुप्त बातमीदार से माहिती मिली की सुदर्शन चौक कब्रिस्तान के पास में कुछ लोग शस्त्र लेके कहीं पे कुछ डकैती करने की प्लानिंग कर रहे हैं. तो उस प्लानिंग के ऊपर में हमने हमारे पुलिस स्टेशन का और स्टाफ मदद के लिए बुलाया और उस घटना को वेरीफाई किया गया. उसके बाद वहाँ पे जाके उनका घेराव करके उनको पकड़ा गया. उनके पास से 4 धारदार शस्त्र चाकू के जैसे वो उनके पास से जब्त किए गए. 1 डंडा, लकड़ी डंडा और 2 स्प्लेंडर गाड़ी, ऐसा पूरा 1,02,000 कुछ का मुद्देमाल जमा किया गया है. और उनसे शस्त्र रखने के किस विज किया शस्त्र रखने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसका उड़वा उड़ी के उत्तर दिया. उन्होंने उसका कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया जिसके वजह से उनके ऊपर में पुलिस स्टेशन में लाके बाकी की आगे विचार पूछ की गई और उसके उनके ऊपर कार्रवाई की गई है. इसमें गिरफ्तार आरोपियों में 2 लोग हैं, रजा रियाज खान, ये रहना इसका कनान पुलिस स्टेशन के एरिया में है, और इसका एक है साथी आफ्ताब अशफाक खान. ये दोनों यशोधरा पुलिस स्टेशन में 2021 में 302 गुने केस में ऑलरेडी इन लोगों के ऊपर में सजा तो इनकी चालू थी और इनके ऊपर में 302 का ऐसा गुना दाखिल है. और एक है आरोपी उसमें गजबी है, अंशुल गजबी है, उसके ऊपर में 307 का गुना दाखिल है.